पिछले क्लास में हम लोग कन्वर्शन ऑफ टाइम पढ़े थे, जिसमें टाइम के एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना सीखे थे। बताया था कि एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेकिन हमें एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नहीं बताया था। ठीक है, पहले फिर से रिवीजन कर लेते हैं एक बार फिर कन्वर्शन ऑफ टाइम को। टाइम जैसे कि दिन, ठीक है, डेज, आवर, मिनट और सेकेंड, ये जो टाइम होते हैं इसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर डेज को आवर में कन्वर्ट करना है, आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है, या मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके लिए बताया गया था। और ये भी हम बताए थे कि एक यूनिट जो होता है दूसरे यूनिट के कितने के बराबर होता है। जैसे कि वन डे कितने आवर के बराबर होता है, वन डे 24 आवर के बराबर होता है, वन आवर 60 मिनट के बराबर होता है, वन मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, ऐसा बताया था। तो वो जो यूनिट का दिया हुआ था वो सब याद होना चाहिए, याद रह गया कन्वर्ट करते समय। ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, कितना से डिवाइड करना है, ये पता चल पाएगा। तो हम ये चार जो टाइम है, डे, आवर, मिनट, सेकंड, इसको एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि डेज को आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए ये जो टाइम लिखा हुआ है डेज, आवर, मिनट, सेकंड, इधर सबसे डेज जो है बड़ा यूनिट है, सेकेंड जो है सबसे छोटा यूनिट है, सेकेंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा होता है आवर, आवर से बड़ा होता है डे। तो एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते समय ये याद रखना है कि हम बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट कर रहे हैं या छोटे यूनिट को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगर हम छोटा यूनिट बड़ा यूनिट को छोटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, बड़ा से छोटा में कन्वर्शन कर रहे हैं, तो क्या करना है, याद रखना है मल्टीप्लाई करना है। जब भी अगर बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करना हो तो हमेशा क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, तो डेज को आवर में करना है या आवर को मिनट में करना है या मिनट में सेकेंड में करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अब कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके लिए क्या करना है, दोनों यूनिट जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बीच देखेंगे को बड़ा यूनिट छोटे कितने यूनिट के बराबर है। ठीक है, जैसे डे है और आवर है, तो डे को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो एक दिन कितने घंटे के बराबर होता है, कितने आवर के बराबर होता है, वो देखना। तो एक दिन जो है 24 घंटे के बराबर होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो एक दिन 24 घंटे के बराबर होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, दिन को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वन डे 24 आवर के इक्वल होता है, तो डे को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो 24 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर आवर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो वन आवर 60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए हम आवर को मिनट में कन्वर्ट करते समय क्या कर रहे हैं, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसी तरह से मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 मिनट 60 सेकेंड के बराबर होता है, इसलिए मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना बड़ा यूनिट जितने छोटे यूनिट के बराबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से उल्टा, अगर हम छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट, जैसे कि सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करना, तो सिंपल सा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 60 से 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो 60 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो सेकेंड जो है मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह से मिनट को अगर आवर में कन्वर्ट करना है तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, और आवर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, बस ये याद रखना है प्रोसेस, किसको कितना से मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है।
सिंपल सम्स के लिए बताते हैं कि अगर बड़ा से छोटा यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करना है, छोटा से बड़ा यूनिट में करना है तो डिवाइड करना है, और कितना से करना है इसके दो यूनिट के बीच का देखेंगे एक यूनिट दूसरे यूनिट के कितने के बराबर है। तो जैसे एक दिन फोर आवर के बराबर है फोर से मल्टीप्लाई करें इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए फोर से डिवाइड करें। बस यही प्रोसेस याद रखना है और इससे कोई किसी भी यूनिट को एक दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये बस याद रखना है प्रोसेस, इतना अगर याद रह गया तो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा कन्वर्ट करने के लिए ये चार यूनिट को एक दूसरे में तो हम कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए अब इसके बाद हम आगे हैं एक्सरसाइज के। ठीक है, एक्सरसाइज में एक एक क्वेश्चन समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को किसको किसने कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे एक एक बनाकर हम बता देते हैं, बाकी सभी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करेंगे। जैसे एक्सरसाइज 11B का 1 का मान ले। ठीक है, क्वेश्चन 1 का ए, क्वेश्चन 1 में कह कह रहा है क्या कन्वर्ट किसको करना है, पता है कन्वर्ट द क्लोरीन इनटू सेकंड, यानी जो भी क्वेश्चन 1 में दिए हुए हैं उनको सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकंड में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन में है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है वहां का एक 3 मिनट। ठीक है, 3 मिनट दिया हुआ है तो 3 मिनट है और मिनट को कन्वर्ट करना है तो सेकंड में। ठीक है, तो बताया कि मिनट क्या है, बड़ा यूनिट है और हमको कन्वर्ट करना है सेकंड में जो कि छोटा यूनिट है। बड़ा यूनिट को छोटा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे 3 × 60 सेकंड। ठीक है, जैसे ही हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या हो जाएगा, मिनट से सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, 360 को मल्टीप्लाई करेंगे 180, और ये क्या हो गया सेकंड हो गया। ठीक है, यानी 3 मिनट 180 सेकंड के बराबर, 3 मिनट को अगर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे कितना होगा 180 सेकंड। तो इसी तरह से बाकी सभी मिनट्स जो है दिए हुए इसमें क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भी कहता है कन्वर्ट इनटू सेकंड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है आपको, सेकंड में ही कन्वर्ट करना है, लेकिन इसमें मिनट और सेकेंड दोनों दिया हुआ है, मिनट और सेकेंड दोनों दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 2 का ए में, क्वेश्चन नंबर 2 का ए में क्या दिया है, क्वेश्चन 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट 40 सेकेंड दिया हुआ है, मिनट भी दिया हुआ है सेकेंड भी दिया हुआ है, हमको इसको कन्वर्ट करना है सेकेंड सेकेंड में क्या करेंगे 1 मिनट। ठीक है, मिनट को जानते हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो गया, मिनट जो है सेकंड बन गया, और ये सेकंड तो पहले से है। ठीक है, सेकंड को है उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, इसको क्या करेंगे ऐड कर। ठीक है, जो सेकंड पहले से दिया हुआ है उसको हमको ऐड कर देना है। तो अब 1 और 60 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 60 और यह है 40 सेकेंड। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, 60 सेकेंड और 40 सेकेंड कितना हो गया 100 सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन 1 मिलीसेकंड में कन्वर्ट कर रहा था, 2 मिलीसेकंड में कर रहा था, लेकिन इसके केवल मिनट है तो इसको मिनट और सेकेंड दोनों, तो जब मिनट और सेकेंड दोनों रहेगा तो मिनट को कन्वर्ट कर देंगे और सेकेंड वाले को इस तरह से टोटल हमें सेकेंड फाइंड हो जाएगा, मिल जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन 2 का भी बाकी आपको बना लेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को G
क्वेश्चन नंबर 3 है देखिए क्या कर रहा है कन्वर्ट करने के लिए सिर्फ लिखा हुआ है कन्वर्ट अब कन्वर्ट लिख के क्वेश्चन में जो कहेगा उसके अनुसार हम कन्वर्ट करें जैसे 3 का a में कह रहा है 10 days into hours 10 days into hours 10 days को हमको hours में कन्वर्ट करना है ठीक है तो क्वेश्चन के अनुसार ठीक है 10 days हम लिख लेते हैं पहले 10 days अब इसको कन्वर्ट करना है हमको आवर्स में तो डे को आवर में कन्वर्ट करने के लिए ठीक है डे बड़ा यूनिट है आवर छोटा यूनिट है तो मल्टीप्लाई करेंगे और वन डे में 24 आवर होते हैं 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 24 अब ये डे था अब डे में ही निकाल देंगे आवर्स क्योंकि हमने 24 से मल्टीप्लाई कर लिया जैसे ही 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आवर्स बन गए अब हम लोग को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 240 आवर्स ठीक है तो इसमें डे को आवर में कन्वर्ट करना था इस तरह से कर लिए इसी तरह से इसी तरह से आपको 3 का बी में देखिए क्या करा है 5 days 6 hours into hours तो बी में डे भी दिया हुआ है आवर भी दिया हुआ है उसको आवर में कन्वर्ट पहले तो डेज को आवर में कर लिए मल्टीप्लाई करेंगे 24 से और आवर को क्या करेंगे ऐड कर देंगे ठीक है आवर है डेज को आवर में कर लेंगे और आवर को ऐड कर देंगे जो आवर दिया हुआ जैसे कि पिछले में बनाए थे मिनट और सेकंड दिया हुआ था मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं जो सेकंड दिया हुआ है उसको ऐड कर लेते हैं इसी तरह से बना लेना है ठीक है अब हम देख लेते हैं सी नंबर 3 का ही सी में क्या दिया हुआ है आवर्स इनटू मिनट 3 आवर्स इनटू मिनट इसमें आवर को मिनट में आवर को मिनट में करने के लिए क्या है 1 hour में 60 minutes होता है तो हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्या हो जाएगा 180 minutes ठीक है आवर को मिनट में करना था तो आवर को मिनट में करने के 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 minutes हो जाएगा इसी तरह से अगर आवर को सेकंड में कन्वर्ट करना है ठीक है आवर को अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे इसको भी लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही है ई नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का ही ई है वो कन्वर्ट करना है 2 आवर्स को सेकंड्स में हम उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो आवर जो है सेकंड में चेंज हो जाएगा डायरेक्ट नहीं तो हम एक एक करके भी कर सकते हैं जैसे 2 hours है इसको मिनट में करने के लिए 60 ठीक है ये मिनट हो गया और फिर इसको सेकंड में करने के लिए मिनट को सेकंड में करने के लिए 60 एंड द 60 से मल्टीप्लाई करना है जो कि कितना के बराबर होगा 3600 अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3600 तो हम डायरेक्ट 3600 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरह से 3600 हो गया 3600 72 72 100 इस तरह से आवर पर डायरेक्ट सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 60 यानी 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं
बाकी तीन तो हम तीन का तीन क्वेश्चन बचा बता चुके हैं, अब इसी का बी जी और एम जो है उसमें उससे बना लीजिएगा, उसको कन्वर्ट करके ऐड कर देना है। ठीक है, कन्वर्ट करके ऐड कर देना है, क्योंकि दो दो दिया हुआ है। सभी समझ में होंगे, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। चलिए आप क्वेश्चन नंबर फोर समझिए, इसमें भी इसी तरह से है, कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन अब क्या कर रहा है, छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा है, तो वो भी समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में कोटा ए, इसमें 96 आवर्स है, 96 आवर्स है, और इसको चेंज करना है हमको डेज में। हमको डेज में चेंज करना है, तो छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में कन्वर्ट करने का डिवाइड, ठीक है, तो अभी हम क्या करना है, डिवाइड इधर होंगे, जो भी बनाया था मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बड़ा यूनिट को छोटा करना है, छोटा यूनिट को बड़ा करना है, डिवाइड करेंगे। अब कितना से डिवाइड करेंगे, तो 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे। पहले तो लिख लेते हैं 96 आवर्स को कर रहे हैं कन्वर्ट, और 96 आवर्स को कन्वर्ट करने के लिए हमको डिवाइड करना होगा, तो कितना से डिवाइड करना होगा, 24, तो ये क्या बन जाएगा, डेज, ये डे बन जाएगा। अब डिवाइड करेंगे 24 से, कितना होगा, 24 हो जाएगा 96 होता है, ठीक है, ये आ जाएगा 4 डेज, इस तरह से बना लेंगे। एक और देख लेते हैं इसी का, कि आवर्स को केवल डेज में था, अब है कि आवर्स को डेज और आवर दोनों में लिखना है कन्वर्ट करके, तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन नंबर बी, इसमें है 148 आवर्स, 148 आवर्स, और इसको करने हैं इनटू डेज डेज एंड आवर्स, डेज और आवर्स, 148 आवर्स है, और 148 आवर्स को कन्वर्ट करना है हमको डेज में, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे 24 से, जब हम वर्क करते हैं 148 को 24 से डिवाइड करेंगे, कितना टाइम्स लग जाएंगे, 6 टाइम्स लगा देंगे, ठीक है, 148 को 24 से डिवाइड करना है, 6 टाइम्स हम लगाते हैं, डिवाइड करते हैं, तो 6 4 जा 24 और 6 2 जा 15, तो माइनस, तो अब 148 है, 144 है, माइनस 22 बचे, अब देखिए अब 24 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कोसेंट जाएगा 6, कोसेंट आएगा 6 और डिवाइडर होगा 2, तो ऐसे डिवाइड करने के बाद आपको क्या करना है, कि जो कोसेंट आएगा, ठीक है, जो कोसेंट आएगा वो डेज हो जाएगा, ठीक है, 6 कोसेंट आया तो 6 का हो जाएगा डेज, और जो डिवाइडर बच जाएगा उसको आपको क्या लिखना है, आवर्स में, ठीक है, आवर को डेज और आवर में कन्वर्ट करना है, तो 24 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा वो डेज हो जाएगा, और जो डिवाइडर बच जाएगा वो आवर्स में आएगा, छोटा यूनिट करना है, यानी 2 आवर्स, 6 डेज 2 आवर्स, इस तरह से आपको डिवाइड करके लिख देना है, ठीक है, 24 से डिवाइड करेंगे और जो कोसेंट आएगा वो लिखेंगे डेज में 6 डेज, और जो रिमाइंडर आएगा वो आवर्स, इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 का सी,
इसमें कह रहा है 1680 को कन्वर्ट करना है मिनट, 1680 मिनट को कन्वर्ट करना है आवर्स में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि मिनट को आवर करना है, मिनट छोटा यूनिट है, आवर बड़ा यूनिट है, छोटा यूनिट को बड़ा यूनिट में करने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और कितना से, 60 से करेंगे, मिनट मिनट 60, 1 आवर 60 मिनट के बराबर होता है, इसलिए 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से यहां आवर डेज और आवर है, उसके जगह पे वहां आपको आवर और मिनट लिखना है। ठीक है, डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको क्या लिखेंगे, अगर पूरा पूरा कट जाता है क्वेश्चन जाता है तो वो हो जाएगा आवर, लेकिन जहां आपको आवर और मिनट में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा तो वहां पे क्या करेंगे, इसी तरह से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो क्वेश्चन जाएगा वो आवर हो जाएगा, जो मिनट में जाएगा वो मिनट में जाएगा। वही काम आपको सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट करते समय भी करना है। ठीक है, जितना सेकेंड दिया रहेगा उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड कर देंगे, लेकिन अगर सेकेंड को मिनट और सेकेंड दोनों में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या हो जाएगा कि जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी बचेगा, तो डिवाइड करने पे जो परसेंट आएगा वो आपका मिनट हो जाएगा और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो यही काम है इसमें, इतना ही है। ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 समझ लेते हैं, ये तो 4 तक कन्वर्ट करना ही है सर। 5 में देखते हैं क्या है, ए जर्नी टेक्स 2 डेज एंड 3 आवर्स, एक यात्रा करने में 2 दिन और 3 घंटे लगते हैं, हाउ मेनी आवर्स आर टेकिंग फॉर इट, तो उसमें कितने आवर्स लगे, कितने घंटे लगे, यानी कि डेज और आवर में दिया हुआ है जर्नी, और हमें उस जर्नी को क्या करना है, आवर में कन्वर्ट करके हमको बताना है। तो 2 days और 3 hours को आवर में कन्वर्ट कर देना है। तो उसके पहले जो हम क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, इस तरह से बना लेंगे हैं आपको, डेज और आवर को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, डेज को आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से, और जो आवर दिया हुआ है उसको उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, 3 hours दिया हुआ है, 3 hours को उसमें ऐड कर देंगे, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। और उससे आप कहता है कि also express this time in minute, यानी आप उस मिनट को, उस टाइम को मिनट में भी कन्वर्ट करना है। हम तो आवर में कन्वर्ट कर चुके हैं, अब उस टाइम को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 से डिवाइड, तो हम क्या करेंगे उसको, आवर को फिर 60 से डिवाइड कर देंगे, वो मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, इस तरह से आप सभी क्वेश्चन एक्सरसाइज का बना लेंगे। ठीक है, अब किसी को क्यूरी करना है, कोई क्वेश्चन पूछना है कि समझ में नहीं आ रहा है, तो क्यूरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, हमने सारा टॉपिक समझा दिया डिटेल से, हर एक को कैसे एक को दूसरे में कन्वर्ट करना है, फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो पूछ सकते हैं। ठीक है, जिनको पूछना है पूछिए, अनम्यूट करके आप पूछ सकते हैं आप लोग। हेलो,
आवाज जा रहा है सभी को? सभी को आवाज जा रही है? जिनको पूछना है पूछिए, क्यूरी कीजिए। किन्हीं को कोई क्वेश्चन पूछना है? आवाज नहीं जा रही? हेलो, आवाज नहीं जा रही आप लोग को? बोलियो। हाँ, सभी को आवाज आ रहा है? बोलिए, कौन सा पूछना है? सर, कोड का ना जी बताते हैं। हाँ, कोड का समझ में आया। सर समझ में नहीं आया। देखो कितना बच्चा सब अनम्यूट है, लाइन लग है, नीचे वाला सब म्यूट है, चार वो बंदा म्यूट है, नहीं तो सब ऑन है। और का सीन में बताना है सर टू का डी नंबर फाइव नंबर को बोलो ना फोर का एफ नंबर के लिए। सर कौन देखता है? वो कोई देख रहा था शायद, होगा कोई देख रहा था। इतना सा वीडियो बंद कर दो, कोई वीडियो नहीं चलती होगा।
सर सर तो थ्री नंबर से चाहिए ना क्या बोले चलिए समझिए टू डेज 3 आवर्स है ठीक है आवाज आ रहा है आप लोग बात नहीं करेंगे बस इसलिए बहुत आवाज आ रहा था इसलिए म्यूट कर दिया गया है आवाज जा रहा है ना हाँ आवाज केवल सुनिए और समझिए ठीक है टू डेज 3 आवर्स को कन्वर्ट करना है क्या चीज में आवर्स में बताना है तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है डे को आवर में करने के लिए तो ये आवर हो जाएगा और जो पहले से आवर दिया उसको ऐड कर देंगे ठीक है ये कितना हो गया 24 2 48 ठीक है 24 को 2 से करेंगे 48 और प्लस 3 कर देंगे 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 51 आवर हम डायरेक्ट लिख दिए हैं ठीक है मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिए 51 आवर हो गया ठीक है देश को हम आवर में कन्वर्ट कर लिए अब पता है इस आवर को फिर से आपको कन्वर्ट करना है मिनट में ठीक है तो अब हमको फिर क्या करना है इस 51 आवर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा अब ठीक है क्लियर हो गया 51 आवर का ना ठीक है देश और आवर पावर में कन्वर्ट कर लिए फिर आवर को मिनट में कन्वर्ट कर पावर को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करने के मिनट हो गए और जब की मल्टीप्लाई करने के बाद आया 3060 इस तरह से आप बना सकते हैं ठीक है तो हमने 2 का डी भी समझा दिया 5 भी समझा दिया 3 का भी हम बता चुके हैं पहले अभी भी किसी को दिक्कत है क्या हेलो आवाज आ रही है सभी को हाँ यस सर चलिए क्लियर हो गया और किसी को पूछना है तो कर दीजिए सर क्या टू का डी बता दीजिए फाइव बता दीजिए अब फोर का डी यस सर यस फोर का डी इतना नहीं गिरा है बहुत शोर हो रहा है आप लोग म्यूट करके रखिए सेंटीमीटर बाद में लिखा था ठीक है आवाज जा रही है हाँ ठीक है चलिए 4 का डी लिख लीजिए लास्ट है 4 का डी 436 मिनट क्या है 436 मिनट्स है और इसको हमको कन्वर्ट करना है आवर और मिनट मिनट को
आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है कितना से, 60 से। तो ये क्या हो जाएगा, आवर में कन्वर्ट होगा, ठीक है, ये आवर्स कन्वर्ट। अब इसको डिवाइड कर लेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कितना परसेंट आ रहा है और कितना रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर 436 को 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 7 टाइम्स कितना आएगा, 7 टाइम्स 420, ठीक है, 60 से अगर 436 को डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा, जो कि आएगा 420। तो माइनस करने पे रिमाइंडर बचेगा 16। इसका मतलब जो परसेंट आएगा वो क्या हो जाएगा, आवर, जो परसेंट रहेगा वो आवर, और जो रिमाइंडर बचा वो मिनट रहेगा, 60 मिनट। क्लियर है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, 7 आवर 16 मिनट हो गया, 436 मिनट को अगर कन्वर्ट करेंगे आवर और मिनट में। तो क्लियर है, आप एक्सरसाइज बना लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज बना लेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे, अगला टॉपिक अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। 12 आवर क्लॉक का जो टाइम है उसको 24 आवर क्लॉक वाले टाइम में कन्वर्ट करना, और 24 आवर क्लॉक टाइम को 12 आवर क्लॉक टाइम में कन्वर्ट करना। लाइट ऑफ कर दीजिए जी।